ये देखिए, ये मैंने अपने पूरे घेरे के ऊपर मार्क कर लिया है। अब मैं प्लीट बनाऊंगी। बनाने के लिए जो पहले मैंने हाफ इंच पे लगाया था मार्क, उससे मेरे को शुरू करना है। तो ये जो 1 इंच का मार्क है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और हाफ इंच के मार्क के ऊपर रखूंगी। ठीक है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इसके ऊपर हम सिलाई कर देते हैं, बट मैं अब इसको ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं ये 1 इंच मार्क के बीच में ग्लू लगाऊंगी। ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये 1 इंच मार्क के ऊपर मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी और यहाँ 1 इंच से मोड़ कर इसको इसके ऊपर रखूंगी। ये हमने ग्लू लगा रखी है तो हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो उसको हम खोल सकते हैं अगर हमारा ठीक ना हो, बट ये जो हमने ग्लू से हम काम कर रहे हैं इसको हम खोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत ढंग से करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी ग्लू मैं इस तरफ भी लगाऊंगी ताकि ये मेरा इस तरफ से भी पेस्ट हो जाए इस तरह से। मैं थोड़ी ग्लू इधर लगाऊंगी। वन इंच से पकड़ के अब इसको जो हमने 1/4 इंच है उतनी जगह छोड़कर उधर हमें इसको इस तरह से लगाना है। ये देखिए, जो 1/4 इंच के दोनों मार्क हैं वो आपको दिख रहे हैं, तो जो 1 इंच का मार्क है उधर से मोड़ना है और उसको 1/4 इंच के मार्क के ऊपर रखना है। यहाँ लगाने के बाद थोड़ा सा पीछे भी लगाएंगे ताकि ये हमारा पेस्ट रहे पूरा। इसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हमें एक एक प्लेट बनानी पड़ेगी। अपनी प्लीट्स को इस तरह से प्रेस करते जाइए ताकि नीचे से भी प्लीट्स बन जाए। नीचे से प्रॉपर प्लीट्स नहीं बनती क्योंकि हमने हैवी वर्क कर रखा है, तो ये इस तरह से करिए, ये इस तरह से प्लीट्स आ जाएंगी। अगर आपको लगता है तो आप ऑल पिन भी लगा सकते हैं इसमें। नीचे के वर्क पे पिन्स प्रॉपर नहीं लगेगी क्योंकि ये हैवी वर्क है, बस हमें ऊपर की प्लीट सेट करनी है। अब अगेन ये 1 इंच के मार्क के बीच में यहाँ हमें ग्लू लगानी है। 1 इंच के मार्क को पकड़ के ये 1/4 इंच के मार्क के ऊपर रखना है इस तरह से। अब यहाँ आगे से पकड़ के थोड़ी सी गम हम पीछे भी लगाएंगे। दोबारा देखिए, ये जो हमारा 1 इंच का मार्क है इसके बीच में हम इस तरह से अपनी गम लगाएंगे, 1 इंच के मार्क के ऊपर उसको इस तरह से रखेंगे। आगे से लगाने के बाद यहाँ से थंब से पकड़ के थोड़ी सी गम हम पीछे भी लगाएंगे। ये हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब इसी तरह मैं अपने पूरे घेरे की सारी प्लीट्स को ग्लू से पेस्ट कर लूंगी। ये देखिए, सारी मैंने प्लीट्स को पेस्ट करने के बाद ये इस तरह से आ जाएंगी। इस तरह की प्लीट्स आएंगी, इस तरह की। अब मुझे इसके ऊपर की चोली तैयार करनी है। चोली को भी मुझे पेस्टिंग से ही पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं चोली बनाऊंगी। घेरा पूरा करने के बाद अब मैं चोली बनाऊंगी। चोली बनाने के लिए जो मैंने स्ट्रिप ली थी पूरी लंबी, उसको इस तरह से दोनों तरफ से 1-1 इंच पे, चोली बनाने के लिए अब जो मैंने स्ट्रिप ली थी उसको दोनों तरफ से मैं 1-1 इंच पे मोड़ दूंगी। देखिए, 1 इंच पे इसको मैंने यहां मोड़ा, 1 इंच पे इसको यहां मोड़ा। ठीक है, मोड़ने के बाद इसके सारे तरफ, चारों तरफ मैं ग्लू लगा लूंगी इस तरह से, और इसके दोनों एंड्स को उठा के 1 इंच के गैप पे इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगी इस तरह से। ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। सेम मैं दूसरी तरफ करूंगी, दूसरी तरफ कर लूंगी। तरफ से हो जाने पे ये इस तरह से आ जाएगा।
अब इसके बाद इन दोनों को मुझे पेस्ट करना है। तो एक तरफ अब इन दोनों को पेस्ट करने के लिए एक तरफ मैं ग्लू लगाऊंगी इस तरह से, और दूसरे को उसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी। अब आपको मेक श्योर करना है कि ये हमारी 2 इंच की हो, ये देखिए, ठीक है। अब ये करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये प्रॉपरली जैम हो जाए। उसके बाद इस तरह से हाफ करेंगे, हाफ करके यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से। ये मेरी कट हो गई। अब ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स आ गई हैं, इस तरह से मेरे पास 2 स्ट्रिप्स आ गई हैं। अब इनका भी मैं हाफ देख लूंगी कि इनका हाफ कहाँ पे है। ये उल्टी और सीधी साइड दोनों तरफ से सीधी है, ठीक है। अब यहां पे मैं मार्क करूंगी 1.5 इंच के ऊपर, 1.5 इंच के ऊपर मैं यहां पे मार्क कर लूंगी, ठीक है, जो मैं अपना बाजू का बना रही हूं। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और छोटा बना सकते हैं, बट थोड़ा लंबा ठीक रहता है, ठीक है। 1.25 इंच के ऊपर कर सकते हैं अगर आपको छोटी बाजू चाहिए तो, ठीक है। इतना मार्क करने के बाद अब ये जो लेफ्ट एरिया है इसके ऊपर मैं यहां ग्लू लगाऊंगी। ये देखिए, जो लेफ्ट एरिया, अच्छे से ग्लू लगाइएगा बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, और इसको उल्टा करके बिल्कुल कॉर्नर के साथ इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब ये मेरा इस तरह से आ गया। प्रेस करके इसको अब मैं इसको टर्न कर लूंगी। तो देखिए मेरी राइट साइड हो गई है, ये यहां से इस तरह से आ जाएगा और ये मेरी बाजू बन जाएगी। अब ये मेरी चोली बन गई और ये मेरी बाजू बन गई। इसी तरह मैं दूसरी तरफ कर लूंगी। देखिए चोली मैंने दोनों तरफ से जो बाजू के होल हैं उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। ये मेरी इस तरह से आ गई के अंदर। जो हमारी बैक साइड है उसको हमें फ्रंट पे रखना है, अपना ग्लू लेनी है। अब देखिए इसको या तो आप पेस्टिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लू से करने का मतलब है कि उसमें करेक्शंस नहीं हो सकती है। जो हम सिलाई से काम करते हैं अगर कुछ गलत आपका हो जाता है तो उसको हम करेक्शंस कर सकते हैं, बट पेस्टिंग में ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह पूरा कॉर्नर तक नहीं, यहां तक मैंने अपनी ग्लू लगाई। उसके बाद दूसरे पेज को बहुत आराम से मैं इसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे ही पेस्ट कर दूंगी। बाजू का ध्यान रखना है, एक बाजू लेफ्ट में और एक बाजू राइट में होनी चाहिए। अब इस तरह इसको पेस्ट करने के बाद जब हम फ्रंट पे लाएंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारी चोली बहुत प्लेन है। अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहें आप तो जरकन लगा सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में, इस तरह वर्टिकली लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, या अगर आप चाहते हैं तो इस तरह कुछ हैंगिंग का लगा सकते हैं। ये देखिए चोली के ऊपर ये भी बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से आगे फ्रंट पे आएगा ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई और बीड्स लगाना चाहते हैं, कुछ भी और जो क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह का ये वर्क कर लिया है। क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने कान्हा जी को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, कि बेसिक डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉर्नर से हमें कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं करना, नीचे स्पेस देना है, क्योंकि ये हमें अभी अपने लहंगे के ऊपर लगानी है, ठीक है।
घेरे के ऊपर इसको पेस्ट करना है, तो बाकी ऊपर आप कोई भी हैवी से हैवी वर्क कर सकते हैं। अब जो हमने चोली तैयार की है और जो घेरा तैयार किया है, अब हमें इन दोनों को पेस्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले घेरा लेंगे, घेरे को इस तरह से पकड़ के हाफ करेंगे, ठीक है। ये देखिए पूरा चुन्नटों के साथ अच्छे से इसका हाफ पॉइंट आ जाता है। पेन लेकर इसका जो हाफ पॉइंट है वहाँ पे इसको मार्क कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसका हाफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब देखिए जो चोली है, चोली का हाफ हमें पता है कि ये है, ठीक है। अब हमें ये मेक श्योर करना है यहाँ से लेकर इसके हाफ तक और ये घेरे के हाफ तक ये हमारा एक चीज पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब चोली को आप ये देख लीजिएगा इसका वर्क अच्छे से सूख जाए, अदरवाइज चोली के ऊपर वो स्ट्रेस पड़ने से ये हट ना जाए वर्क, ठीक है। इसके अच्छे से सूखने के बाद अब हम इनको इस तरह से पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद हल्का सा चोली को खींचते हुए यहाँ पेस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया है पेस्टिंग में कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम अपनी करेक्शंस कर सके, मतलब अगर आपने कुछ गलत पेस्ट किया तो उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आप पेस्टिंग खींचेंगे तो कपड़ा फट जाता है, ठीक है। इसके लिए या तो आप पहले से हाथ से कच्चा कर लीजिए, बट ये इतना मोटा हो गया पेस्टिंग के बाद कि कच्चा करने में भी आपको बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि हम वन शॉट में इसे ठीक कर सके। जब हमने इसको यहां से लेकर यहां पेस्ट किया, उसके बाद देखिए अब ये जो मेरा हाफ पॉइंट है और यहां तक मुझे इसे मैच करना है, तो इसके लिए या तो घेरे को इस तरह टाइट कीजिए, इसकी चुन्नटों को बिल्कुल पास पास कर दीजिए, और चोली को खींचिए, इस तरह से खींच कर जो हमने हाफ मार्क किया है वहां तक लाके इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। ये इस तरह से होगा, घेरे के ऊपर गम लगाइए, उसके बाद इसको इस तरह से खींचते हुए जो मेरा हाफ पॉइंट है वहां पे इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो ये मेरी यहां से इस तरह पेस्ट हो जाएगी। जब ये यहां से पेस्ट हो जाए अच्छे से, उसके बाद मुझे यहां और इसको पेस्ट करना है। फिर उसी टेक्निक के साथ जो फ्रंट का कपड़ा है वो ज्यादा खींचता है, बैक साइड थोड़ी कम खींचती है, तो इसके लिए मैं उसी तरह से करूंगी। पहले इसको इस तरह से खींच के यहां, फिर इन दोनों को इधर मैच कर दूंगी, ठीक है। अब आपको यही पूरी कोशिश करनी है। इसकी दो ही टेक्निक होती है, या तो चोली को खींचिए या घेरे को इस तरह से दबाइए, जो चुन्नटे हैं उनको आपस में दबाइए, और इसको बिल्कुल सीधा करके फिर पेस्ट करिए। जब हम खड़ा करेंगे तो वो गोलाई में आ जाएगा। अब हम इन दोनों को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह की शेप आ रही है, ये मैंने पूरा अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए अब इसको 2 मिनट इसी शेप में इसी तरह रहने दीजिए, अच्छे से इसको प्रेस करिए ताकि ये पहनाते हुए इसके जोड़ खुले ना, अच्छे से प्रेस कीजिए। इसको हम हर तरफ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ग्लू भी अच्छे से लगाइए। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। ये मेरी तैयार हो गई है। ये हमने बनाई है बिना सिलाई मशीन के, ये सिर्फ हमने पेस्टिंग वर्क से बनाई है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट ये बहुत सुंदर बन जाती है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी भी रहती है। अगर आप और चाहते हैं तो यहाँ घेरे पे भी चारों तरफ ग्लू इस तरह से लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे और कितना हैवी करना चाहते हैं। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे इसकी पिक्स भेजिएगा। अब हम फेसबुक पे भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर अपनी पिक्स हमें भेजिए। आप दिखाइए कि आप क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, हम उसको अपने और परिवार के लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कान्हा जी के लिए बना सके। पूरी सेवा कीजिए, दिल से सेवा कीजिए, कान्हा जी की सेवा ही हमें मोक्ष दिला सकता है, वही हमारी मुक्ति का साधन है। अगर आपको इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सेवा का लाभ उठा सकें। थैंक यू। हरे कृष्णा।